विजिट्स के बारे में, इंस्पेक्शन के बारे में हमने बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन तमाम डिपार्टमेंट्स को दे दिए, कमिश्नर साहब को भी दे दिए। विजिट्स भी होंगे, चेक भी होगा, हर किस्म के विजिट होंगे। जहाँ तक ये है कि महंगाई की कमी, उसके लिए काविश कोशिश हो रही है। कराची में बड़ी रिकवरीज हुई हैं, मिसाल के तौर पर कितनी मिलियन बैग शुगर लाखों में हमने रिकवर की है, इसके अलावा दीगर चीज़ें, तो इसका इंशाल्लाह इम्पैक्ट आएगा। हम सोच रहे हैं कि इसको किस तरह, इसका डिस्पोजल कैसे हो कि इसको, इसका आवाम को फ़ायदा पहुँचे। कोशिश और काविश की जा रही है, हालात मुश्किल हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी आएगी, और थोड़ी आई भी है। अब देखिए डॉलर काफ़ी नीचे आ गया है, और इसके अलावा ये जिस किस्म के छापे पड़ रहे हैं, होल्डर्स को पकड़ रहे हैं, ब्लैक मार्केटर्स को पकड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसका जो है फ़ायदा आवाम तक पहुँचेगा, और बहुत दिन नहीं लगेंगे इसमें। देखिए ना, आपको इल्म है कि इस हवाले से रोज़ गुफ्तगू हो रही है, किसी न किसी लेवल पर सरकार में गुफ्तगू हो रही है। कल एपेक्स कमेटी की मीटिंग भी थी, उसमें ऑपरेशन भी जारी है। ऑपरेशन में हमारे आईजी साहब भी वहाँ मौजूद थे, हमारे होम मिनिस्टर भी मौजूद थे। हम मज़ीद इसमें कोशिश कर रहे हैं, रेंजर्स की मदद भी ले रहे हैं, कराची के लिए भी हम प्लान कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो अभी आ रही है, और इंशाल्लाह जल्द कमी आएगी क्राइम में। यहाँ भी हमने बहुत देर क्राइम पर बात की है, और आपके रेंज के डीआईजी साहब एडीआई साहब बैठे, इन्होंने भी कुछ तजावीज़ पेश किए हैं, उस पर अमल दरामद होगा। बिल्कुल, हम उसमें भी लगे हुए हैं। हमें बड़ा रंज और अफसोस है उसका, और हमें बड़ी खुशी होगी कि उनके कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाए। ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन से बनता है ना, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। आप तारीख दिलवा दें ताकि हम और आसान हो जाएंगे। तो भाई, ना समझने की, ना यकीन करने की क्या वजह है? अभी तक तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि हम यकीन ना करें। अब उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। डिलिमिटेशन तकरीबन कंक्लूजन पे है, इसको फौरी देखें। ये तो बहुत गलत बात है कि मुजफ्फरखाना उसको बल्कि रीवैम कराएं, साफ कराएं, उसकी सहूलतों को बढ़वाएं। और मतलब मैं तो तकरीबन हर चीज़ के लिए कहता हूँ आज से शुरू कर दें, लेकिन जितनी जल्दी हो सके करें। चल रही नहीं, अब काम चल रहा है उसका। सुफ्तारी का तो पता नहीं कहाँ है वो इंजीनियर साहब। ठीक है, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। वो बड़ी अच्छा, मैं गया है, हमने जो देखा बज़ाहिर हमें वहाँ का सारा काम अच्छा नज़र आया है। हमें किसी ने उसमें कोई नुक्स भी नहीं बयान किया, तो इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखें वो वक्त पे कंप्लीट हो जाए। जो कुछ भी हमें इकदाम करने चाहिए थे, तब सब कुछ हम इकदाम कर रहे हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के लिए तमाम हम मुकम्मल तैयार हैं। हम अपने जो मावनत के लिए अफसरान चाहिए होंगे वो भी फराम कर देंगे, लॉजिस्टिक भी फराम कर देंगे, ट्रांसपोर्ट भी फराम कर देंगे। हम अपने तौर पर मुकम्मल तैयार हैं इंशाल्लाह।